आप जानते हैं कि भारत के कौन से शहर में रिजर्व बैंक अपना सबसे ज्यादा पैसा और गोल्ड रखता है, और वो कौन सी जगह है जो अपने संतरों के लिए पूरे देश विदेश में पॉपुलर है? संतरों से तो आपने गेस कर ही लिया होगा। वेल, इसे भारत के सबसे साफ सुथरे और सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, और इसी शहर में विश्व का सबसे बड़ा होलो बौद्ध स्तूप भी है, और ये शहर 3000 साल पुराना है, और इस शहर को भारत का टाइगर कैपिटल भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का पहला टेक्सटाइल मिल भी इसी शहर में है। आज हम जिस शहर की बात कर रहे हैं उस शहर को महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी कहा जाता है। ये शहर आर्थिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। तो दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि है नागपुर। तो चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर नागपुर के सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि नागपुर शहर का नाम यहाँ पर बहने वाली नाग नदी के नाम पर रखा गया है। इसे सिटी ऑफ स्टेटस ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नागपुर मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर की जनसंख्या की बात करें तो आज के समय में इसकी आबादी 29 लाख के आसपास पहुंच गई है। नागपुर को भारत की सबसे सेफेस्ट और क्लीनेस्ट सिटीज में से एक माना जाता है। यहाँ पर भूकंप, सुनामी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी काफी कम है, और यहाँ पूरे साल का मौसम आए हाय है काफी खुशनुमा रहता है। दोस्तों, नागपुर की स्थापना 1702 में गोंड के राजा भक्त बुलंद शाह द्वारा 12 गांवों को मिलाकर की गई थी। उसके बाद यहाँ पर मराठाओं और भोंसले समुदाय के लोगों ने शासन किया, और बाद में अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। नागपुर महाराष्ट्र का मुंबई और पुणे के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इसका कुल क्षेत्रफल 393 वर्ग किलोमीटर है। वहीं नागपुर की जनसंख्या की बात करें तो आज के समय में इसकी आबादी 29 लाख के आसपास पहुंच गई है। नागपुर में 70% आबादी हिंदुओं की है, तो वहीं बौद्ध धर्म इस शहर का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। जी हाँ, 16% लोग नागपुर में बौद्ध धर्म को मानते हैं, और 12% इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा जैन, सिख और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। नागपुर में इन सभी धर्मों के लोग काफी मिलजुल कर रहते हैं, जो आपसी सौहार्द और प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, नागपुर शहर की GDP $43 बिलियन की है। इस शहर के लोग काफी ज्यादा शिक्षित भी माने जाते हैं। आज के समय में नागपुर में 91.37% लोग शिक्षित हैं, और ये आंकड़ा भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में नागपुर 5वें स्थान पर आता है। नागपुर में लोग सबसे ज्यादा मराठी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी भाषा का चलन है। नागपुर शहर को महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी या उप राजधानी कहा जाता है। दोस्तों, नागपुर को इसीलिए ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ संतरे का प्रमुख व्यापार केंद्र है, और ये भारत का सबसे बड़ा ऑरेंज एक्सपोर्टर है। इस शहर में कई एकड़ में फैले संतरे के बाग हैं। तो दोस्तों, नागपुर के सफर के दौरान संतरे के अनोखे और रसीले स्वाद चखना बिल्कुल ना भूलें, यही तो वहाँ का टेस्ट है। दोस्तों, नागपुर शहर में आप नाइट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े ग्रुप के साथ नागपुर घूमने जा रहे हैं तो प्राइवेट फार्म हाउस भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कई नाइट क्लब्स और बार भी नागपुर में बने हुए हैं। कई खूबसूरत और शानदार इंटीरियर वाले कैफे भी आपको नागपुर में मिल जाएंगे। यहाँ आप दोस्तों के साथ मिलकर चिल कर सकते हैं। दोस्तों, नागपुर शहर अपने फेस्टिवल्स के लिए भी प्रसिद्ध है। वैसे तो महाराष्ट्र और इंडिया में मनाए जाने वाले लगभग सभी त्योहार यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें होली, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा आदि शामिल है। इसके अलावा मराठियों का नया साल गुड़ी पड़वा भी यहाँ पर काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र भाई ये तो मना ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसे त्योहार भी हैं जो आपको सिर्फ नागपुर में ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इनमें काली पीली मरवत नाम का त्योहार सबसे प्रमुख है। इस त्योहार में माँ काली की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि माँ काली की आराधना से बीमारियाँ, बुरी आत्माएं और काली शक्तियाँ दूर रहती हैं। इस त्योहार में भव्य जुलूस निकाला जाता है, और जुलूस खत्म होने के बाद बुराइयों का अंत करने के लिए एक पुतले का दहन भी किया जाता है। पोला फेस्टिवल भी नागपुर का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार से एक दिन पहले किसान अपने बैलों की खूब सेवा और खातिरदारी करते हैं, उन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं, और पर्व वाले दिन पलाश के पत्तों से बैल की पूजा की जाती है। इंटरेस्टिंग है ना गाइस। दोस्तों, नागपुर का जायका भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा संतरे से बनी हुई डिशेस बिकती हुई नजर आएंगी। संतरे से बनी हुई बर्फी यहाँ पर काफी लोकप्रिय है, और जो भी नागपुर घूमने के लिए आता है वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ये संतरे की बर्फी ले जाना बिल्कुल नहीं भूलता है। इसके अलावा तरी पोहा भी यहाँ पर काफी फेमस है। ये आम पोहे से थोड़ा अलग और तीखा होता है। साथ ही नॉनवेज खाने के शौकीन लोग, नागपुर आने वाले लोग साउजी मटन का लुत्फ जरूर उठाते हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, आपने ऐसा मटन और ऐसा चिकन पहले कभी नहीं खाया होगा यार, इतना टेस्टी है। इसके अलावा नागपुरी समोसा, कढ़ाई पटौदी, पूरन पूली, पान और गोल गप्पे भी नागपुर शहर में बड़े चाव से खाए जाते हैं, और बड़ा टेस्टी मिलता है गाइस, सच में। दोस्तों, नागपुर शहर में डॉली की टपरी नाम से एक चाय वाला है, जो चाय बनाने के अपने अनोखे अंदाज के कारण सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो गया है। जी हाँ, इस चाय वाले की ढेर सारी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि नागपुर
जयपुर में ही भारत की सबसे पहली टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की गई थी। सन 1877 में जमशेदजी टाटा द्वारा एम्प्रेस मिल के नाम से कपड़ा मिल शुरू की गई थी। सन 1925 में दशहरा के अवसर पर नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, जिसे आज पूरा देश RSS के नाम से जानता है। साथ ही सेंट्रल बैंक यानी कि RBI की एक प्रमुख शाखा नागपुर में भी मौजूद है और यहीं पर RBI का सबसे ज्यादा पैसा और गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है। इस बैंक को भारत का सबसे ज्यादा सिक्योर बैंक माना जाता है। दोस्तों, चटपटा और नमकीन खाना किसे पसंद नहीं होता यार। आप सभी ने हल्दीराम की नमकीन और इनके रेस्टोरेंट में खाना तो जरूर खाया होगा। हल्दीराम कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? अरे नागपुर में ही तो है यार। नागपुर शहर पूरे महाराष्ट्र में शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, प्रियदर्शनी भगवती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी नागपुर जैसे अनेकों शिक्षा के संस्थान मौजूद हैं। यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में युवा पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, नागपुर शहर की विरासत और संस्कृति के कारण फिल्म मेकर्स की नजरों में भी ये शहर बना रहता है। दोस्तों, कई बॉलीवुड और मराठी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, जो महाराष्ट्र का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पर MRO फैसिलिटी मौजूद है, जो पूरे एशिया में चीन के शंघाई के बाद कहाँ है, सिर्फ नागपुर में ही है। जी हाँ, यहाँ पर प्लेन्स की साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम किया जाता है और नागपुर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट वाला पहला शहर है और यहाँ पर 200 यानी कि 200 e-vehicles हैं। दोस्तों, नागपुर में सबसे पहले एथेनॉल फ्यूल के जरिए बस चलाने की शुरुआत की गई थी। एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल होता है और ऐसा करने वाला नागपुर पूरे एशिया में पहला शहर था। चलिए अब बताते हैं नागपुर के उन जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे सही बताऊँ, नागपुर में घूमने के लिए इतनी सारी जगह है ना कि सभी जगहों के बारे में बताने के लिए हमें 2-3 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। लेकिन उनमें से दीक्षा भूमि स्तूप नागपुर की सबसे लोकप्रिय जगह है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच ये आस्था का केंद्र है। ये पूरे एशिया में भगवान बुद्ध का दूसरा सबसे बड़ा स्तूप है। 120 फीट ऊंचे इस स्तूप का निर्माण बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से किया गया। नागपुर के पास में ही रामटेक नाम की एक जगह पर राम मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर 2000 साल पुराना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जब रावण का अंत करके वापस अयोध्या आ रहे थे तो इसी जगह रुककर उन्होंने कुछ देर के लिए विश्राम किया था। जी हाँ, और इस दौरान उन्होंने अपनी कमर की टेक लगाई थी, तभी से इस जगह का नाम रामटेक पड़ गया। फुटला लेक नागपुर की एक और प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर अक्सर लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इस झील का निर्माण राजा भोसले ने कराया था। शाम के समय यहाँ पर लेजर लाइट शो और म्यूजिकल फाउंटेन का आयोजन भी किया जाता है। नागपुर में आप डेगमा वाटरफॉल देखने का भी आनंद ले सकते हैं। पहाड़ों से गिरता ये झरना आए हाय हाय काफी मनमोहक लगता है। इसके अलावा नागपुर में 0 माइलस्टोन नाम की एक जगह है। अंग्रेज इस जगह से अन्य शहरों और राज्यों की दूरी मापा करते थे। साथ ही स्वामी विवेकानंद स्मारक देखने के लिए भी हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानवरों से प्यार है ना, तो आप महाराजा बाग जू जा सकते हैं। यहाँ आपको कई टाइगर भी देखने को मिल जाएंगे, साथ ही कई प्रकार के पक्षी भी देखे जा सकते हैं। रमन साइंस सेंटर में बने तारा मंडल में आप अपने बच्चों के साथ जा सकते हैं और नागपुर सेंट्रल म्यूजियम में आपको इस शहर के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको पुराने सिक्कों और नोटों में दिलचस्पी है ना, तो नागपुर में ही स्थित न्यूमिस्मैटिक आर्ट गैलरी देखने के लिए आप जा सकते हैं। आपको बता दें कि शॉपिंग के लिए भी नागपुर ना एक बेहतरीन जगह है। धर्मपीठ नाम की इस जगह पर आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मोमिनपुरा और चोर बाजार में भी आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस और वैरायटीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चोर बाजार का नाम सुनकर ऐसा लगता है ना कि यहाँ चोरी का सामान बेचा जाता होगा, लेकिन असल में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। सस्ती चीजें होने के कारण इस बाजार का नाम चोर बाजार पड़ा है। इसके अलावा तेलानखेड़ी गार्डन, ड्रैगन पैलेस टेम्पल, अडासा टेम्पल, सीता बुल्दी फोर्ट जैसी ढेरों जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी नागपुर जाए ना, तो कम से कम 3 से 4 दिन का ट्रिप तो जरूर प्लान करें, इससे कम करें। इतनी सारी जगह देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि हाँ यार, ये 1 या 2 दिन में इस शहर को एक्सप्लोर करने में मजा नहीं आएगा। नागपुर तक आप ट्रेन या एरोप्लेन या अपने निजी वाहन से पहुंच सकते हैं। हर तरीके से नागपुर पहुंचने के बेहतर साधन उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये था भारत का एक शानदार शहर नागपुर। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आपको नागपुर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? आप में से अगर कोई नागपुर या फिर महाराष्ट्र से है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे क्या कभी आप नागपुर गए और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे साथ ये भी जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें।